करण जौहर की दोस्ताना 2 से बाहर के गए एक्टर कार्तिक आर्यन ने फाइनली चुप्पी तोड़ी है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि मैं किसी भी बॉलीवुड के कैंप का हिस्सा नहीं हूं, मैं अपने टैलेंट के बलबूते पर यहां पर पहुंचा हूं और आगे फ्यूचर में भी यही करूंगा। जी हां गाइस, दरअसल धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म दोस्ताना 2 2019 में अनाउंस की गई थी और इसी बीच करण जौहर और कार्तिक आर्यन में अनबन की खबरें आई, जिसके बाद कार्तिक आर्यन को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया था और इसी वजह से कार्तिक आर्यन ने यह जवाब दिया होगा। गाइज आपको क्या लगता है कि कार्तिक आर्यन का यह जवाब नेपोटिज्म के ऊपर एक तमाचा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या करण जौहर बॉलीवुड छोड़ने वाले हैं? सुशांत के जाने के बाद सुशांत के फैंस के अगर सबसे ज्यादा कोई निशाने पर हैं तो वो है करण जौहर। सोशल मीडिया पर करण जौहर के फॉलोवर्स लगातार घट रहे हैं। उन्हें अपने ही शो द कॉफी विद करण से हाथ धोना पड़ा और उनका ये शो पूरी तरह से बैन हो चुका है। मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड मेंबरशिप से उन्हें रिजाइन करने को कहा गया है। इसके अलावा बिहार में उनकी मूवीज को बैन कर दिया गया है और उनके खिलाफ एक केस भी फाइल किया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी भी स्टार या स्टार किड ने करण के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिसके लिए करण ने बहुत कुछ किया था। और ये सब देखने के बाद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बहुत सारे स्टार और स्टार किड को अनफॉलो कर दिया। करण जौहर भी नहीं जानते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।